dear children, welcome to my YouTube channel Aashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from light, shadows and reflections. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवेन बिलो टू मेक अ सेंटेंस टू सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड अ पार्क ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर एक रीअरेंज करना है, उसमें अब बताना है. आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या है इन्होंने बताया, ये देखिए ओ डब्ल्यू एस, ठीक है, और ए के ई ओ पी ए क्यू यू ई ओ बी जे ई सी टी एस एम एस एच ए डी. अब इसको रीअरेंज करना है, तो इन्होंने बताया ये क्या लिखा है, इसको सही देख लेते हैं. द गिवन बॉक्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो. ठीक है, उसको आप रीअरेंज करेंगे तो यही बन के आएगा. क्या लिख के आएगा कि अपक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो. ठीक है, ये देखिए इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ओ पी ए क्यू यू ई अपक हो गया, ओ बी जी ई सी टी ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये होगा एम ए के ई मेक, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू एस, ये शैडोज हो जाएगा. ठीक है, तो ये रीअरेंज हो गया. ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया, और सॉरी पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, चलिए देख लेते हैं. क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवेन बिलो एज अपक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूशेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस. ठीक है, ये बहुत ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें देखना पड़ेगा. इसमें अलग अलग क्लासीफाई करना ऑब्जेक्ट में, कौन सा अपक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूशेंट है और कौन सा नॉन लुमिनस है और लुमिनस. इन्होंने बताया एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, ठीक है, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, ठीक है, आ सी डी, ठीक है, स्मोक, आ सीट ऑफ प्लेन ग्लास, ये आपके ऑप्शन हैं और बहुत सारे हैं, अभी हम इस पर देख लेते हैं. और इन्होंने बताया फॉग, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन एंड अम्ब्रेला, आ लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है, अवाल, और भी ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पूरे ऑप्शन दिए हैं. इसमें क्लासीफाई करना ऑब्जेक्ट को कि कौन सा अपक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूशेंट है और कौन सा लुमिनस एंड नॉन लुमिनस है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर. और भी इन्होंने बताया अ सीट ऑफ कार्बन पेपर, अगला ऑप्शन क्या है, द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर ऑप्शन, नेक्स्ट क्या है, और भी क्या है, अ सीट ऑफ कार्डबोर्ड, और क्या है, अ लाइटेड टॉर्च, अ सीट ऑफ सेलोफोन, ठीक है, अ वायर मेस, ठीक है, केरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई, द मून. अब इसमें हम आइडेंटिफाई करें, अलग अलग हम देखेंगे कौन से ऑब्जेक्ट हैं ट्रांसपेरेंट, कौन से ट्रांसलूशेंट. तो सबसे पहली बात करेंगे अपक की, ठीक है, अपक ऑब्जेक्ट कौन है इसमें आइडेंटिफाई करेंगे. तो अपक ऑब्जेक्ट जैसे इन्होंने बताया अ पीस ऑफ रॉक अपक हो जाएगा, अ सीट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, अ मिरर हो गया आपका, अ वुडन बोर्ड, अ सी डी, एन अम्ब्रेला, अ वाल, अ सीट ऑफ कार्बन पेपर, अ सीट ऑफ कार्डबोर्ड, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके अपक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये क्या होंगे, आपके अपक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे. समझ में आया, चलिए देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट क्या है, चलिए छूट गया है, कोई बात नहीं, अभी इसको हम दोबारा देख लेंगे. ट्रांसपेरेंट के बाद हम ट्रांसलूशेंट की बात कर लेते हैं. ट्रांसलूशेंट में क्या आ जाएगा, अ सीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, अ सीट ऑफ सेलोफेन, ठीक है, एंड अ वायर मेस, ये क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे. अब हम बात करें नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस जो जिनके पास लाइट नहीं होती है, एयर है, वाटर है, अ पीस ऑफ रॉक, अ सीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीट ऑफ पॉलीथीन, ठीक है, अ सी डी, अ स्मोक, अ सीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग एंड अम्ब्रेला, ये सब क्या होंगे, नॉन लुमिनस हो जाएंगे. ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जिनके पास लाइट नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम नॉन लुमिनस. ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या है, एयर हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, एंड सीट ऑफ प्लेन ग्लास, ये किस में आ जाएंगे, आपके
ट्रांसपेरेंट में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए हम, क्या इन्होंने बताया, अवाल, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, अ शीट ऑफ सेलोफोन, अ वायर मेस, मून, ये सब क्या होंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन से होंगे, नॉन लुमिनस, जिनके पास स्वयं लाइट नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन लुमिनस बोलते हैं। आगे देखिए, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो कैन यू थिंक अ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड यू गिवेन अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड वन वे ऑन द रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इज अनदर वे। तो यस 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 एज सो इन द इमेज बिलो। यहाँ पर आगे इमेज में बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। देखिए हम इमेज नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये देखिए इमेज, ये शेडो का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन मिरर। क्या मतलब इन्होंने बताया कि यदि आप डार्क रूम में जाएं तो इफ़ यू होल्ड अ मिरर और इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। तो क्या इन्होंने बताया आंसर, नो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन अ डार्क रूम अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज क्या होगा, विल नॉट एबल शो द लाइट। क्यों, विल नॉट फॉल ऑन देम, क्योंकि लाइट उस मिरर पर नहीं पड़ेगी, तो ऐसा क्या होगा, टू रिफ्लेक्ट द इमेज ड्यू टू डार्कनेस, ठीक है, और उस रूम में आपको कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल डार्कनेस फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद अदर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।